हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का जो आपका चैप्टर नंबर थ्री है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको कराने वाली हूँ और वो भी आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे कराने वाली हूँ इस चैप्टर को एनसीआर से कर रखा है प्लस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर रखे हैं तो चलिए अब इस बुक से भी इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं शुरू करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी इस बुक से हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं लगभग सारे ही चैप्टर्स हो गए हैं इस बुक से एक या दो चैप्टर रह गए हैं जो नहीं हुए हैं वो उनकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी आप लोगों को पता है कि इस बुक में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सी बी एस ई में जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं ऑलमोस्ट इस बुक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सारे चैप्टर्स आप इस बुक से ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है सबकी प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर आप वहाँ से कर सकते हैं चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर यहाँ पर तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे कि आपको पता है कि इसमें स्टार्टिंग में देखो आपको पहले कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं चैप्टर के बारे में बता रखा है उसके बाद यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट है तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या एफ आर लाइन गिवन बाई थी एक्स प्लस टू के वाई इजिकल टू टू एंड टू एक्स प्लस फाइव वाई इजिकल टू वन आर पैरल देन द वैल्यू ऑफ के इज़ ये दोनों लाइन इक्वेशन से जो भी आपका ग्राफ पर लाइन बनेगी ना वो पैरल लाइन्स बनेंगी तो के की वैल्यू बना बतानी है तो हमें कंडीशन याद होगी जब भी पैरल लाइन्स बनती हैं तो ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होता है लेकिन सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होता यही होता है ना तो चलो उसी को करते हैं अब यहाँ पर तो अगर हम यहाँ देखें अपना तो एवन है मेरे पास थ्री ए टू है मेरे पास टू इज इक्वल्स टू पहले ऐसा करते हैं कंडीशन को लिख देते हैं और उसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे ठीक है तो ए वन अपॉन ए टू इज टू बी वन अपॉन बी टू होता है सी वन अपॉन सी टू यह क्या है कंडीशन है पैरल लाइन की तो कंडीशन फॉर पैरल लाइन ठीक है अब ए वन की वैल्यू मेरे पास थ्री है ए टू की वैल्यू मेरे पास टू है इज इक्वल्स टू में यहाँ पर टू के है यहाँ पर फाइव है नॉट इक्वल टू में यहाँ माइनस टू है यहाँ माइनस वन है माइनस से माइनस कट कर दूँ मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिफ्टीन और ये हो जाएगा मेरे पास फोर के तो के की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आ रही है मेरे पास फिफ्टीन अपऑन फोर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था बिल्कुल आसानी से ही हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया ठीक है चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे इसमें आपसे क्या कह रहे हैं इफ़ एक्स इज टू ए एंड वाई इज इक्वल्स टू बी इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपको ये इक्वेशन दे रखें इसके सोल्यूशन है देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पहले ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं आगे तो एक्स माइनस वाई इज इकल टू टू एंड एक्स प्लस वाई इजल टू फोर है तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू मैं आपके पास कितना दे रखा था टू दे रखा था और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैं आपको फोर दे रखा है अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी है तो ए माइनस बी इज एकल टू टू हो गया यहाँ पर और यहाँ ए प्लस बी इजिकल टू फोर हो गया चलो सॉल्व कर लेते हैं ये तो कट गया तो ये हो जाएगा टू ए और यहाँ पर आ जाएगा सिक्स तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई थ्री किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो इसको इक्वेशन वन ले रही हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन वन ठीक है अब अपने इक्वेशन वन अगर हम यहाँ देखें तो वो है ए माइनस बी इज इकल टू टू तो ए की जगह मैंने थ्री रख दिया तो इसका मतलब थ्री माइनस टू इज एकल टू बी बी की वैल्यू मेरे पास वन आ गई आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में ए और बी इजिली फाइंड हो गए क्लियर है तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर टू इसी के साथ हमने दो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे यहाँ आपसे क्या कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एक्स इज इकल टू टू एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री इज तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ इक्वेशन्स दे रखी हैं कह रहे हैं कि जिसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे x इजिकल टू टू और y इजिकल टू थ्री वो आपको यहाँ पर चेक करना है तब कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं आप क्या करो इसमें ना आप कंडीशन चेक कर लो जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूँ यूनिक की कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू जो है वो नॉट इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू के चलो चेक कर लेते हैं पहले तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वन अपॉन में टू है यहाँ है पर नॉट इक्वल टू में यहाँ पर आपके पास है वन अपॉन में माइनस थ्री फर्स्ट वाले में तो देखा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन ही आ रहा है सेकेंड वाले में भी अगर मैं ऐसे ही सबके पहले कंपेयर करके देखूँ ये टू और टू है यहाँ है पर फाइव और थ्री है इसमें भी आ जाएगा यहाँ है पर टू और फोर है यहाँ है है पर ठीक है और यहाँ पर कितना है फाइव है और यहाँ पर टेन है चलो इसको देखते हैं पहले तो टू अपॉन में फोर है यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर फाइव अपॉन में टेन नहीं इसका आपके पास कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए ना तो वो तो यहाँ नहीं मिल रहा है मुझे ऐसा करते हैं हम ना यहाँ वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं तो पता चलेगा देखो अगर मैं फर्स्ट वाले में इसमें एक्स की जगह टू और वाई की जगह माइनस थ्री रखूँ तो मेरा आंसर माइनस वन आएगा जो वन के इक्वल नहीं होगा तो फर्स्ट वाले का आंसर नहीं है सेकेंड वाली इक्वेशन है मेरे पास टू एक्स प्लस फाइव वाई इजिकल टू माइनस इलेवन तो उसमें भी मैं ऐसा करती हूँ पुट करके देख लेती हूँ एक बारी तो यहाँ जाएगा वाई की जगह माइनस थ्री इज इक्वल्स टू मैं माइनस इलेवन तो फोर माइनस का फिफ्टीन इज इक्वल टू में जाएगा मेरा माइनस इलेवन तो ये माइनस इलेवन इक्वल टू माइनस इलेवन हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है सेकेंड भी चेक करनी पड़ेगी ना तो यहाँ पर माइनस का थ्री वाई की जगह माइनस थ्री टू माइनस ट्वेंटी टू तो फोर माइनस माइनस प्लस का नाइन इजिकल टू माइनस ट्वेंटी टू नाइन प्लस में फोर करोगे तो कितना आएगा थर्टीन ये तो इक्वल नहीं आ रहा तो ये नहीं होगी सेटिस्फाइड सेटिसफाइड सेकेंड भी नहीं है सी वाला देखते हैं तो टू एक्स की जगह टू लिख दिया प्लस फाइव वाई की जगह माइनस का थ्री लिख दिया इजिकल टू माइनस का इलेवन तो ये हो जाएगा फोर यहाँ आ जाएगा फिफ्टीन इजिकल टू माइनस इलेवन तो माइनस इलेवन इज टू में माइनस इलेवन फर्स्ट वाली सेटिस्फाइड कर रहा है पर सेकेंड भी चेक कर लेते हैं फोर यहाँ हो जाएगा टू प्लस टेन यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री इस इक्व टू में माइनस का ट्वेंटी टू अब अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा एट माइनस का थर्टी इसव टू में माइनस ट्वेंटी टू ये तो सेकेंड वाली भी सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए इसका आंसर इसका मतलब सी है ये सी वाले का सॉल्यूशन है अगर आप इसमें कंडीशन लगाओगे तो दो तीन इक्वेशन दो तीन ए बी सी ऐसे आ जाएंगे इसमें जो सेटिस्फाइड करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो कंडीशन ना लगा के ना वैल्यू को पुट कर दो वो ज़्यादा आसान रहेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइंस एक्स इजिकल टू थ्री एंड वाई इजल टू फोर एंड एक्स इजिकल टू वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है इन तीन से किन से यहाँ लिखते हैं पहले इनको आपको दे रखा है एक्स इज इक्वस टू में कितना दे रखा है थ्री वाई इज इक्वस टू में फोर दे रखा है और एक्स इज इक्व टू में वाई दे रखा है तो अगर मैं यहाँ पर वो ग्राफ एक बार ऐसे ड्रॉ कर लूँ ठीक है मैंने ये जीरो ले लिया ये वन ले लिया ये टू ले लिया ये थ्री ले लिया ये फोर ले लिया यहाँ पर वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया फ़ोर ले लिया फ़ाइव ले लिया एक्स इजिकल टू थ्री मतलब यहाँ होगा है ना वो वाई की वैल्यू नहीं है ना इसका मतलब उसमें तो एक्स इजिकल टू थ्री मैं यहाँ पर कह सकती हूँ और अगर वाई इजिकल टू फोर की बात करूँ पहले मैं इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ठीक है अब वाई इज इक्वल्स टू में फोर है वो यहाँ पर हो जाएगा अगले में आपसे क्या कह रहे हैं जो x और y है वो इक्वल है तो दोनों मेरे जीरो जीरो हो सकते हैं दोनों वन वन हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर है वो मान लो ओरिजिन मैंने यहाँ पर ले लिया अब ये x इजिकल टू तो वाई वाली से मतलब मुझे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी मेरा ट्राइंगल बनेगा तो चलो उसको ड्रॉ करो यहाँ पर ये यह कुछ डॉटेड लाइन से कर दो ठीक है अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लें ऐसे आप ना मैं इसको यहाँ पर एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ सेंटर में क्योंकि फिर ना ये ऊपर जाएगा तो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है ये इसीलिए ठीक है तो ये ज़ीरो हो गया ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया ये फाइव हो गया यहाँ देखा जाए तो ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया ये फाइव हो, हो गया अब आपको एक्स जो है वो थ्री दे रखा था तो ये मैंने ये रहा वो डॉटेड लाइन ठीक है ना और वाई आपको कितना दे रखा था फोर दे रखा था ठीक है यहाँ से मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी अब बात आती है देखा जाए तो ये ट्राइंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए है ना देखो जो ये लाइन आप यहाँ पर पास कर दो ना तो ये ऐसा ज़रूरी तो नहीं इन्हें कट करती हुई जाए तो क्योंकि इसमें ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं होगा तो इसका मतलब ये लाइन जो है ना ये हमारी कट करती हुई नहीं जा रही है ये थोड़ी सी अलग से जा रही है ये ऐसे जा रही है अब आप इन डॉटेड लाइंस को जरा ज्वाइन कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ की है अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों लाइन को मिला के आपका ये वाला ट्राइंगल जो है वो फॉर्मड हो गया अगर मैं इसे दूसरे पेन से यहाँ हाईलाइट हाँ कर दूँ ये रहा इस ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है तो ये तो राइट एंगल बनना है तो इसका मतलब मुझे हाफ बेस इनटू हाइट लगाऊंगी तो चल जाएगा बट बेस और हाइट मुझे नहीं पता तो ये मेरे को ये निकल जाए इतना और ये वाला पोर्शन निकल जाए अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ पर ए बी और सी तो मेरे को ए बी और ए सी पता चल जाए अब वो कैसे पता चलेंगे देखो ए बी बी के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो यहाँ पर जो है वो फोर और फोर है कैसे क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जो ये वाली लाइन जा रही है ना ओरिजिन से ये यहाँ पर इसको टच कर रही है और ये ओरिजिन वाली लाइन का क्या कंडीशन थी कि एक्स इजिकल टू वाई है जितना एक्स होगा उतना ही वाई होगा तो ये फ़ोर और फोर मिल गए और अगर यहाँ पर देखूँ तो ये मुझे कितने मिल गए थ्री और फोर मिल गए तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर थ्री है x की वैल्यू और यहाँ पर फोर है तो कितने का डिस्टेंस है वन यूनिट का तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल गई वन ठीक है इतना मतलब इतना मुझे मिल गया वन यूनिट अब ऐसे यहाँ आ जाओ ए सी पर अब ए सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे यहाँ पर तो देखो ये आपके थ्री और थ्री निकल रहे हैं जब आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना तो थ्री और थ्री निकलेंगे तो अब ध्यान से देखो यहाँ वाई की वैल्यू है फोर ए वाले पॉइंट पे और सी वाले पॉइंट पे वाई की वैल्यू है थ्री तो थ्री और वन के बीच में कितना डिस्टेंस है वन का ना तो ये भी वन आ गया तो आपका एरिया कितना आ गया हाफ आपको एरिया ही तो निकालना था यूनिट आपको गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन के अंदर तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ यूनिट स्क्वायर क्लियर है क्वेश्चन फोर तो आप बिल्कुल और स्केल से प्रॉपरली बनाना तो आपका एग्जैक्ट वो ट्राइंगल भी बनेगा और उसमें आप आराम से बता सकते हो कि बेस की लेंथ कितनी है और हाइट की कितनी है ठीक है चलिए क्वेश्चन फाइव पे आते हैं कैर हैज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर दो इक्वेशन दे रखी है हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आपने यूनिक सॉल्यूशन है वो ठीक है इनफाइनइटली सॉल्यूशन पढ़ लिया और नो सॉल्यूशन पढ़ाए नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन का केस होता है यूनिक सॉल्यूशन जो होता है जिसमें एक सॉल्यूशन होता है वो इंटरसेक्टिंग का होता है और अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूँ तो वो कोइंसिडेंट लाइन का होता है पर यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं नॉन जीरो सोलूशन तो के की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहली बात ना मैं इन दो इक्वेश्स को यहाँ पर लिख लेती हूँ नॉन जीरो का मतलब है क्या वो देखते हैं सबसे पहले देखो बिल्कुल ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को तो यहाँ पर समझते हैं पहले और फिर करेंगे इसको आपसे वो क्या कह रहा था आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन होने चाहिए तो जिसमें मेरे नो no सॉल्यूशन होते हैं एक भी सॉल्यूशन नहीं उसको मैं ये कह सकती हूँ उसका मतलब है मेरा जीरो सॉल्यूशन है ना तो ये पैरल लाइन का केस है तो इसका मतलब इसकी वो बात ही नहीं कर रहा बाकी दो बचे अब आपके पास कौन कौन से एक यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक इन्फाइनइटली मैन्यू सॉल्यूशन तो उसमें ज़ीरो नहीं आएगा उसके अलावा सॉल्यूशन ना तो आपको दोनों ही केस बताने हैं इसका मतलब तो अगर हम फर्स्ट केस यहाँ पर अपना लें पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख देती हूँ थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इजिकल टू जीरो ठीक है दूसरी इक्वेशन है मेरे पास के एक्स प्लस टेन वाई इजिकल टू ज़ीरो तो पहले मैं कौन सा ले रही हूँ कौन सा केस ले रही हूँ जिसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला मतलब कोइंसिडेंट लाइन वाला तो उसमें मेरा ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होता है और वही मेरा सी वन अपॉन सी टू के इक्वल होता है इसका मतलब थ्री अपॉन के जो है वो फाइव अपॉन टेन के इक्वल होगा ये दोनों तो मेरे जीरो ही जीरो है लो ना लो एक ही बात हो जाएगी यहाँ पर तो।, तो यहाँ पर इसको इससे कट कर दिया तो के की वैल्यू मेरी सिक्स आ जाएगी ठीक है दूसरा केस मैं यहाँ ले रही हूँ यूनिक सॉल्यूशन वाला जिसमें मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं वो होता है मेरे पास ए वन अपॉन ए टू जो है वो नॉट इक्वल होगा बी वन अपॉन बी टू के ठीक है अब अगर हम इसमें यहाँ पर देखें तो इसका मतलब थ्री अपॉन के जो है वो नॉट इक्वल किसके हो जाएगा फाइव अपॉन टेन के होगा नहीं होगा ठीक है ना अब अगर हम ये इन यूनिक वाला लगाते हैं तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वापसी मैंने यहाँ कट कर दिया टू तो के जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू सिक्स आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब इसमें हम फर्स्ट वाला केस ही करेंगे क्योंकि आपसे क्या कह रहा था वो नॉन जीरो सोलूशन तो उसमें दो केस आते हैं या तो इनफाइनाइटली होगा या यूनिक होगा यही होगा ना इनफाइनाइटली और यूनिक तो अगर आपके पास यहाँ पर के स्क्वायर बनना होता तो ज़रूर आप दोनों केस लगा के एक वैल्यू निकाल लेते क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस का सिक्स आएगा ठीक है ना तो प्लस सिक्स ले लेंगे माइनस सिक्स इग्नोर कर देंगे ऐसा कर देंगे बट पर एक ही वैल्यू है क्योंकि एक ही बार के दे रखा है इक्वेशन में तो इसमें आपको खाली है है वाला वाला केस लगाना है और ये वाला केस नहीं लगाना लगाना और नहीं बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो नॉन जीरो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन नहीं है कई बार हम गलती से उसमें नो सोल्यूशन वाली कंडीशन लगा देते हैं तो वो नहीं लगेगी तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन लगेगी और सॉल्व हो जाएगा के की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो जाएगी क्लियर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन वन टू फाइव ही करेंगे आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक like ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू